यह है राष्ट्र की समस्या है। आज सदन में वित्त मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही है। सरकार के हर विभाग का वित्त मंत्रालय से संबंध होता है। देश में जो प्रगति हुई है और हो रही है उसकी काफी चर्चा हुई है। जो प्रगति हुई है वह चारों ओर दिखाई पड़ रही है। कम से कम रेल विभाग में तो काफ़ी प्रगति दिखाई पड़ रही है। रेलों में अब भीड़ कम होती है। बिजली का भी काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन देहातों की तरफ हमारा जो दृष्टिकोण है उसको देखकर कुछ कष्ट होता है। अभी जो जनगणना हुई है उसको देखने से मालूम होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक बड़ी है। आज देहातों से लोगों शहरों की तरफ आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि लोग देहातों में बसें, देहातों के जीवन को पवित्र करें, लेकिन स्वराज्य के 55 वर्ष बीत जाने के बाद भी देहातों की तरफ ना जाकर शहरों की तरफ लोग आते जा रहे हैं। इस प्रश्न पर हमको कुछ गंभीरता से विचार करना होगा। अगर देहातों में लोगों को सुख सुविधाएं मिलती जो आज शहरों में प्राप्त हैं, तो लोग देहातों से शहरों की तरफ ना दौड़ते बल्कि शहरों से देहातों की तरफ जाते। देहात के जीवन में दो प्रकार की चीज़ें थीं, एक तो जमींदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपए का लेन देन करते थे। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, इससे लोगों को कुछ राहत मिली। जहां तक रुपए के लेन देन का प्रश्न है, पहले 25% तक का ब्याज लिया जाता था, उसमें अब कुछ कमी अवश्य है, लेकिन कहीं कहीं तो अभी भी उतना ही ब्याज लिया जाता है, जिससे कर्जा लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता। सरकार भी अब उचित दर पर कर्जा देने लगी है। इस वजह से कहीं कहीं पर साहूकारों के ब्याज की दर में कमी आई है। सभापति महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसके महत्व को सरकारी और विरोधी पक्ष दोनों ने एक मत से अनुभव किया है कि देश में बेकारी की समस्या एक भयंकर रूप धारण कर रही है और इसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, रुका हुआ है। पिछले 55 वर्षों से इसी परिस्थिति का निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह उनके अधिकार के बाहर है। आप जब भी यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर देते हैं। जब किसी राज्य में अराजकता फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और वहाँ के नेता जिम्मेदारी से काम ना करते हों, तो वहाँ पर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रपति सबसे ऊंचे अधिकारी हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति काफ़ी समय तक चलती रही तो राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की प्रगति के लिए सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेने का अधिकार है। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चली, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक मामले थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो संविधान में यह स्पष्ट है कि उस समय की सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। संविधान में आदिवासी हरिजनों की
उन्नति के लिए प्रण किया गया था कि 10 वर्ष स्टॉप